देखो रिसेंटली टोयोटा ने ये कंफर्म किया है कि वो जनवरी 2022 में अपनी अपकमिंग पिकअप हाइलक्स को इंडिया में लॉन्च करेगी, जिसको ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है। तो यहाँ पर टोयोटा कंपनी रेडी है अपनी नई पिकअप को इंडिया में लॉन्च करने के लिए, और इस पिकअप के अंदर बहुत सारे कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। हालांकि इस पिकअप को फॉर्चूनर और इनोवा क्रिस्टा के प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया जाएगा और इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इस कार को सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने 1968 में लॉन्च किया था, यानी इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल आया था 1968 में। इसके अलावा 2015 में इस पिकअप का 8 जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया था। वही 2020 में इसके फेसलिफ्ट को लॉन्च किया था, जिसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स भी करे गए थे इंटीरियर में और इसके एक्सटीरियर में। इसका मुकाबला इंडियन मार्केट में Isuzu V-Cross के साथ रहेगा। इसके अलावा Isuzu D-Max के साथ भी ये कम्पीट करने वाली है। अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी लेंथ है 5325 mm की, जो कि Isuzu V-Cross के मुकाबले 35 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी विड्थ लगभग 1900 mm की है, जो कि Isuzu V-Cross के मुकाबले 40 mm ज्यादा है। इसके अलावा इसकी हाइट 1795 mm की है, जो कि V-Cross के मुकाबले 50 mm कम है। तो यहाँ पर टोयोटा की हाइलक्स लेंथ और विड्थ के मामले में इस कार के मुकाबले थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन इसकी हाइट 50 mm कम है एज कम्पेयर टू Isuzu V-Cross। तो यहाँ पर डायमेंशंस भी आपके सामने है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो टोयोटा हाइलक्स के अंदर आपको लगभग 279 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। इसके अलावा Isuzu V-Cross के अंदर 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है। हालांकि दोनों ही कारें ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, और यहाँ पर टोयोटा की हाइलक्स के अंदर ऑफ रोडिंग के बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल भी है, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो टोयोटा हाइलक्स के अंदर दो डीजल इंजन दिए जाएंगे। इसके अंदर इनोवा वाला 2.4 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन दिया जाएगा, जो कि लगभग 150 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। और इस इंजन के मॉडल के साथ टू व्हील ड्राइव का सिस्टम दिया जाएगा, और ये इसका बेस वेरियंट रहने वाला है। इसके अलावा हाइलक्स के अंदर दूसरा इंजन हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि टोयोटा फॉर्चूनर से लिया जाएगा, और ये इंजन होगा 2.8 लीटर का डीजल इंजन। ये इंजन लगभग 204 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है, और टॉप मॉडल के अंदर हमें ये इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर फोर व्हील ड्राइव का सिस्टम कंपनी दे सकती है। तो यहाँ पर टोयोटा की इस पिकअप के अंदर इनोवा और फॉर्चूनर का इंजन दिया जाएगा। वही अगर मैं एक्सटीरियर लुक की बात करूँ तो इसका फ्रंट फीशिया दिखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। जब अब इसको फ्रंट से देखोगे तो ये पिकअप बिल्कुल भी नहीं लगती, बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर इसका फ्रंट फीशिया रखा है, और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी हद तक बोल्ड रखने की कोशिश करी गई है। इसके फ्रंट फीशिया में आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप मिलेगा। इसके अंदर LED DRL भी दिया जाता है, और इसके फ्रंट के ग्रिल्स आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर के पैटर्न्स इसके फ्रंट फीशिया में दिए गए हैं। इसके अलावा इसके साइड क्लैडिंग्स और फेंडर्स के ऊपर भी आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। इसके अलावा इसके फ्रंट के बम्पर्स को काफी ज्यादा मस्कुलर रखने की कोशिश करी गई है, यानी इसके फ्रंट के बम्पर्स आपको काफी स्पोर्टियर मिलेंगे, और इसके फ्रंट के बम्पर्स के ऊपर आपको ड्यूल टोन कलर का फिनिशिंग भी मिल जाएगा। तो इसका जो फ्रंट का फीशिया है ये काफी ज्यादा अग्रेसिव है। साइड प्रोफाइल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये पिकअप साइड से भी दिखने में काफी हद तक कमाल की लगती है। हालांकि इसके अंदर बैठने के लिए दो रोज दिए जाएंगे, और पीछे सामान रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस ट्रक के अंदर आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलेगी, तो यहाँ पर आप अपना अच्छा खासा सामान भी कैरी कर सकते हैं। इंटीरियर फीचर की बात करो तो इस पिकअप का इंटीरियर काफी हद तक लाजवाब है, मतलब इंटीरियर से दिखने में ये बिल्कुल भी पिकअप नहीं लगती। प्रीमियम SUV की तरह इसका इंटीरियर डिजाइन किया हुआ है, ब्लैक कलर थीम के साथ इसका इंटीरियर आ जाता है, और इसके अंदर लेदर के सीट्स दिए जाते हैं। इसके अंदर आपको लेदर की अपोस्टी भी मिल जाएगी, और इसका डैशबोर्ड काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करी गई है। हालांकि इसके फर्स्ट रो के ऊपर और सेकेंड रो के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से आपको बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो लगभग 5 मीटर से भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली इसके इंटीरियर में बैठने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए इस कार के अंदर बहुत ही बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं। इसके अलावा इस पिकअप के अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट भी मिलेगा। कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी इस कार के अंदर दिया जाता है। इसके अलावा मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन इस पिकअप के अंदर दिया जाता है, और अच्छे खासे फीचर्स आपको इस कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वही अगर मैं लॉन्चिंग की बात करूँ तो टोयोटा कंपनी इस पिकअप को जनवरी 2022 में इंडिया में लॉन्च करेगी, और इसकी कीमत 15-16 लाख रुपए से इंडिया में स्टार्ट हो सकती है, या फिर इसकी कीमत थोड़ी से ज़्यादा भी रह सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही पावरफुल इंजन आपको मिलने वाला है। अगर आप बेस वेरिएंट के साथ जाओगे तो इसके अंदर आपको लगभग इनोवा क्रिस्टा का इंजन मिलेगा। अगर आप टॉप मॉडल के साथ जाओगे तो उसके अंदर आपको फॉर्चूनर का इंजन मिलेगा।
जिसके अंदर फोर व्हील ड्राइव का सिस्टम भी दिया जाएगा। हालांकि इसका टॉप वेरिएंट 20-22 लाख रुपए के आसपास चला जा सकता है या फिर उससे भी ज्यादा इसकी कीमत रह सकती है। आपको क्या लगता है इस पिकअप की कीमत कितनी होनी चाहिए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।